एजेंडा ग्राम पंचायत का हर कोई एग्जिट पोल बता रहा है, जो 6 नंबर से बिल्कुल रिक्शा निशानी थी इनकी। खड़ा हुआ मेरे गली के वास्ते में खड़ा हुआ, मेरे गली के लोगों ने मुझे खड़ा करे थे, और मैं गांव का और मेरे ग्राम पंचायत का विकास करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से विकास करना चाहता हूँ। कि 5 साल के अंदर मेरे गांव के जो गली के लोग हैं मेरे से बेजार हो जाएंगे कि तू मेंबर बन के थक गया, बैठ जा, ऐसा काम करूँगा, नाली नहीं हुआ हुआ तो मैं हाथ से फोड़ा लेके काम करूँगा। और चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ कचरा है, जहाँ देखो वहाँ कचरा है, तो कचरे के बारे में क्या बोलना चाहिए? अभी फिलहाल में डेंगू की अभी पहले शिकायत चली थी, डेंगू की, मलेरिया की, मासूम मासूम बच्चे जो डेंगू का शिकार हो रहे थे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। क्या बोलना चाहिए आप? हर कोई 42 के 42 कैंडिडेट है ग्राम पंचायत के, तो सबके सब बोले हम दावा कर रहे हैं सबके सब के हम आए, तो तुम इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तुम्हारा राय एग्जिट पोल के बारे में? एग्जिट पोल के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि मैं 6 नंबर वार्ड से अपक्ष उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार और शेख अब्दुल राजी, ये जो 6 नंबर वार्ड में मैं सब में अच्छी फाइट देने वाला पहला उम्मीदवार हूँ, और अच्छी मैंने किसी के बारे में, कोई उम्मीदवार के बारे में नहीं बोला हूँ, मैं मेरे बल के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे गली के वास्ते में खड़ा हूँ, मेरे गली के लोगों ने मुझे खड़ा करे थे, और मैं गाँव का और मेरे ग्राम पंचायत का विकास करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से विकास करना चाहता हूँ। कि 5 साल के अंदर मेरे गाँव के जो गली के लोग हैं मेरे से बेजार हो जाएंगे कि तू मेंबर बन के थक गया, बैठ जा, ऐसा काम करूँगा, नाली नहीं हुआ हुआ तो मैं हाथ से फोड़ा लेके काम करूँगा। और दूसरी बात में ये है कि अभी जो ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट जो जाली आई थी वो अभी वेस्ट पड़ी है, साइड में ख़राब होगी, ये जो भंगार आएगा तो इसका सब वो नीलामी होगी, जब नवी सरकार आएगी इंशाल्लाह हम कभी इसमें जाते हैं ग्राम पंचायत में, हम बैठते हैं अपक्ष जाके, तो इंशाल्लाह हर कोई मुद्दे पे काम करेंगे और हर कोई मुद्दे के उसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि हमारे को ये डेवलपमेंट चाहिए, हमारा जो चाचा है इनकी गली के अंदर इतना पानी, इतनी परेशानी है, इनकी गली के सामने से बीचों बीच नाली है, गटर है, मच्छर है, एकदम बहुत डेंगू है, डेंगू मच्छर है, बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशानी होती है, उनका रिक्शा चलता है, ऑटो रिक्शे वाले हैं वो, और वो उनका रिक्शा चलता है उस चौल से, मड़ गली का पिछला हिस्सा बहुत खतरनाक है, उसके बाद कोलिया का है, बिलाल मस्जिद का एरिया है, पीछे चौस मेले का पीछे का एरिया आता है। सभी अपने अपने सपोर्टर जो सभी के जितने भी खड़े हुए सभी के अपने अपने सपोर्टर बोले कि इतने सीट इसके आएंगे, इतने सीट इसके आएंगे, अभी कभी आप आपस तुम क्या है तो आप किसके तरफ जाना चाहेंगे? नहीं अभी तो कोई फैसला नहीं, सब गली मोहल्ले से पूछा जाएगा, सबसे राय मशवरा होगी, जब भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। हमने तो तुमको देखे वीडियो में, जो हमारे जो आपने जो रैली निकाले थे, आपको बच्चों ने उधर उठा के उधर लेके जाके बताए थे, क्या लेके गए थे, तो वो खुशी का माहौल था, वो हिसाब से लेके गए थे। मैं कभी जाना चाहता तो 2 उंगली बता सकता था, पर मैंने उंगली अभी बताया नहीं, वीडियो आप छान लो, और अच्छा। वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा गली के राय मशवरे से होगा, सब हिंदू मुस्लिम एकता से पूछा जाएगा, कि सबों से बोला जाएगा कि भाई मैं कौन से निर्णय ले सकता हूँ, इंशाल्लाह कभी आता है, इज्जत का देने वाला अल्लाह और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। क्या विकास करना चाहते हैं आपका, अगर फाइनल आया तो आप क्या करना चाहते हैं? बता रहे हैं हम पूरा विकास करेंगे गांव का, जो जो विकास रहा, जो लोगों के मुद्दे रहे वो पूरा विकास करेंगे, हम घर घर पहुंच के लोगों का विकास करेंगे, गलिया का विकास करेंगे, सब विकास करेंगे। अभी तो एक ही मुद्दा है विकास का, जो विकास अभी गांव में पूरा चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ कचरा है, जहाँ देखो वहाँ कचरा है, तो कचरे के बारे में क्या बोलना चाहिए? अभी फिलहाल में डेंगू की अभी पहले शिकायत चली थी, डेंगू की, मलेरिया की, मासूम मासूम बच्चे जो डेंगू का शिकार हो रहे थे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो हम पूरा विकास करेंगे और उनके हमारे कमी उनके पंचायत के लोगों के पूरे वो बढ़ाएंगे हम, जो दो नाले सफा करने वाले के हम और 10-12 लोग बढ़ाएंगे, नाले सफा करेंगे, उनके घान सफा पूरी करेंगे। अच्छा तो आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं हम, क्या आप जो आपके कितने सीट आने वाले हैं? हमारे पूरे के पूरे 17 सीट आने वाले। 17 सीट क्या मुद्दे पे बोल रहे हैं आप? 17 सीट आएंगे हमारे। अच्छा आपको कैसा इतने गारंटी का? तो बिल्कुल देख सकते हैं, हमने सगीर भाई से बात करें, सगीर भाई के बोलने का मतलब है कि आप 17 के 17 आने वाले, तो सभी दावा कर रहे हैं एजेंडा में जो इलेक्शन है, 42 के 42 लोग जितने भी खड़े कैंडिडेट, तो 42 के 42 कैंडिडेट जो दावा कर रहे हैं, तो हम जनता ने जनता फैसला करी 18 तारीख के दिन, क्योंकि कल ही आपको एजेंडा न्यूज पे दिखाई देगा। एजेंडा न्यूज को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा क्या बोलना चाहिए, क्या नाम है आपका काका? मेरा मधुकर वामन कपूर। अच्छा क्या बोलना चाहते हैं आप? ये कचरा जो है यहाँ बाजू में। अच्छा आपको किधर है कचरा? साथ में जाओगे निकालो। अच्छा ये तो ग्राम पंचायत के। अच्छा ये कब से नहीं उठाए? ये कम से कम 6-7 महीने से उठाए। 6-7 महीने से क्या? अच्छा गाँव का साहब।
तो सभी देखे, हमने 6 नंबर वार्ड में आके बात की हमने, तो सभी देख सकते हैं आप। लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए, कि वीडियो लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। सत्रह सीट के वास्ते 42 उम्मीदवार खड़े थे, तो बिल्कुल सभी दावा कर रहे हैं, 42 के 42 दावा कर रहे हैं कि हम आएंगे। तो हमने एक एग्जिट पोल निकाले अजंता न्यूज़ की तरफ से, हमने एक एग्जिट पोल निकाले, क्यों एग्जिट पोल में हमने ये बताया कि किसके कितने आने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें। पंजाब का इलेक्शन काफी धूमधाम से हुआ है, हर पार्टी अपना दावा कर रही है, तो ये तो 18 तारीख को मालूम पड़े हैं। सभी अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो सभी पार्टी 3 नंबर वार्ड हो 4 नंबर वार्ड हो 5 नंबर वार्ड हो 6 नंबर वार्ड हो 1 नंबर वार्ड हो, सभी अपनी अपनी खुशी का जाहिर कर रहे हैं। वो तो 18 तारीख के दिन मालूम पड़े हैं, सभी के चेहरे देख सकते हैं, अजंता के, जनता के। हर कोई तो दावा कर रहा है कि मैं आया, 18 के दिन ही पता चल गया कौन आया। अपना दावा कर रही है बिल्कुल अजंता, ग्राम पंचायत का इलेक्शन काफी धूमधाम से, तो हर पार्टी अपना दावा कर रही है, तो ये तो 18 तारीख को मालूम पड़े हैं। सभी अपनी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो सभी पार्टी 3 नंबर वार्ड हो 4 नंबर वार्ड हो 5 नंबर वार्ड हो 6 नंबर वार्ड हो 1 नंबर वार्ड हो, सभी अपनी अपनी खुशी का जाहिर कर रहे हैं। वो तो 18 तारीख के दिन मालूम पड़े हैं कि कौन आया कौन नहीं। तो बिल्कुल गांधी चौक में धूम मची है, बिल्कुल इस तरफ भी देखिए, गांधी चौक में पूरी धूम ही धूम मची है, अजंता ग्राम पंचायत इलेक्शन। तो सभी, हर कोई दावा कर रहा है कि ये आया वो आया, 18 तारीख के दिन मालूम पड़े, 18 तारीख के दिन रिजल्ट बताएंगे हम, लाइव बताएंगे तुमको अजंता न्यूज़ पे। बिल्कुल अजंता न्यूज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सभी के चेहरे देख सकते हैं, अजंता के, जनता के। हर कोई तो दावा कर रहा है कि मैं आया, 18 के दिन ही पता चल गया कौन आया। हमारे जहांगीर मामू माजी मेंबर, तो बिल्कुल देख सकते हैं गांधी चौक में, इलेक्शन के ऑफिसर भी आ गए हैं गांधी चौक में, बहुत ही धूम थी। तो